निकल रहा था तो मुझे कुछ चीज़ें दिखा है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। शायद आप जानते भी होंगे जिसका नाम मुंज है, जो पार्ट बाई पार्ट उसका निकल जाता है, इसको क्या बोलते हो आप? पाटखोरी। पाटखोरी, पाटखोरी बोलते हो आप सब। तो मैं आपको पाटखोरी दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे अंकल ये कर रहा है, ये अंकल उसका जो आँस होता है ना उसका ये कर निकल रहा है अंदर का, अंदर कर रहा है वो अलग कर रहे हैं, काठी को ये कर रहा है अलग कर रहे हैं आँस से। अच्छा, इससे क्या होता है वो जो निकालते हैं वो मतलब खाना पकाने में लगता है। अच्छा, वो बात कर सकते हैं हमसे? हाँ, बंगाली में बात कर सकते हैं। तो आप बात करो काका, तुम्हारे साथ कथा बोलवे एक तो मैंने पार्ट एक क्या आप थोड़ा सी मुझसे काका बात कर सकते हो? हिंदी आती है? हिंदी हिंदी बोलो, बांग्ला बोलिए ভালো হয়। বাংলা বলে দাও, বাংলা বলো। क्या बात, क्या है, क्या बात? कुछ नहीं, बस इसके बारे में थोड़ा जानना था मुझे। पाटकाठी संबंध के एक तो बोलो तो की की काजे लागे सेटा जिज्ञासा करछे। पेपर मिल में काम होता है? पेपर मिल में अच्छे पार्ट होते हैं, अच्छे पाटकाठी होते। तो देखिए वो अंकल मुझे बता रहे हैं कागज तो है, कागज कागज जो पान और बरस होता है। हां पान। अच्छा, ये हिंदी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हिंदी मुझे वैसे भी अच्छा लगता है, ये हिंदी अच्छा बोल रहे हैं। इनसे मैं कुछ चीज़ें मतलब मैं पूछता हूँ कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगा क्योंकि एक इंसान की एक नेचर बताता है कि हाँ वो इंसान कैसा है। तो आप कैसे हैं अंकल? अच्छे हैं? तो देखिए अंकल अच्छे हैं। अच्छा, आप मतलब कहाँ के? यहीं के बंगाल का ही हो आप? बंगाल का, इधर का ही हो आप, लोकल ही हो यानी? अच्छा काका, ये क्या आप मतलब ये जो सारे सूख गए हैं तो इसको क्या करते हो आप? हाँ, पान पान चास होता है ना? पान चास, हाँ पान चास के माचा के लिए, माचा के लिए होता है। अच्छा, और पेपर मिल में, पेपर मिल होता है। हम हाँ, थोड़ा ऐसे ही जानते हैं। अच्छा अच्छा, और इधर जो जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी उसको चार धार में बेरा के कास्ट करता है। अच्छा तो अच्छा, तो ये अच्छा एक चीज़ मैंने मैं आपसे पूछूंगा काका कि इतना गंदगी है क्या आपको मतलब उससे कोई चीज़ें आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं इस गंदगी में मतलब काम कर रहा हूँ? चाहे मजबूर है हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब आपका रोजी रोटी कोई और नहीं है, मतलब आप यही कर सकते हो, कुछ और नहीं कर सकते हो आप? और कुछ नहीं है, ये हमारा काम है। और एक बात है, ये जो पानी है ना, हाँ ये पानी के पानी से जो पार्ट पड़ता है, हाँ उसके कलर का अच्छा था। अच्छा, पार्ट का कलर देखो, कलर कलर अच्छा होता है। अच्छा, तो मतलब उसका पार्ट का कलर जो होता है वो मतलब, लेकिन गंगा तो पानी अच्छा है। हाँ? गंगा क्या, हाँ हाँ, लेकिन उधर पार्ट ये पार्ट जाग देता है तो कलर अच्छा नहीं होता है। अच्छा, काले काले हो जाता है पार्ट, इधर सफेद होता है, सफेद होता है कलर। अच्छा अच्छा, ये फर्क है। तो मुझे अंकल बताया यार कि ये बहुत सारी चीज़ों में काम भी आता है, और इनका कहना है कि ये जो आप मतलब शायद आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सी गंदगी है, लेकिन ये गंदगी नहीं है, इसके लिए ये वो सेफ है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। yes. तो ये आपको लग रहा होगा कि शायद गंदा पानी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए ये जगह है। तो ये जगह में मतलब इसको बनाया जा रहा है कि अलग अलग तरीके से इसका जो कलर होता है, और ये बहुत सारे जगह पर ये यूज होता है। तो शायद आपने पहले कभी ऐसे मजदूरों को नहीं देखा, और काका बोल रहे हैं मेरी मजबूरी है ये काम करना, और इनको ये चीज़ें करने की शायद शुरू। आप ये काम कब से अंकल कर रहे हो? हमारा जो 25 साल हुआ। 25 साल से आप यही काम करते हो? 25 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया। दुख की बात ये है कि ये जो जूट को जो ये है ना, हाँ रेट है, हाँ रेट अच्छा, मतलब रेट अच्छा नहीं मिलता अच्छा है। रेट अच्छा होता है तो हम इसके अच्छे पार्ट हम पैदा कर सकते हैं, मतलब अच्छा चीज़ें। अगर मेरे को, अगर आपको कहने का मतलब कि अगर अच्छा रेट इसका मिलता तो हम लोग कुछ और भी यूनिक चीज़ कर सकते थे, और भी अच्छा होता है पार्ट, हम अच्छा करता है कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, बांग्लादेश में जैसे पार्ट होता है, हाँ हाँ हाँ, सोनाली पार्ट होता है, हाँ हाँ, हमारा इधर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। हाँ। तो भाई आप शायद बंगाल से आप होंगे या कहीं से भी होंगे, शायद आप देख रहे होंगे मेरे YouTube के माध्यम से, ऐसा है जैसे भी आप लोग देख रहे होंगे, तो प्लीज़ आप लोग इतना कमेंट ज़रूर करना कि भाई कि जो भी इंसान है वो कैसे रहते हैं, सब लोग अलग अलग तरीक़ा से अपना रख रखाव करते हैं। तो इनके जीवन 25 साल इसमें गुजर गया कि ये आज तक करते आ रहे हैं, और मैंने एक चीज़ इनको देखा कि काका को बढ़िया से मतलब
हिंदी आती है, बहुत अच्छा लगा और इनकी एक मजबूरी भी है। तो सो गाइस कहेंगे यही कि शायद हर किसी का अपना अपना एक मजबूरी होता है और ऐसी जगह पे काम करने की नौबत आती है। तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि इनको उस अकॉर्डिंग पैसा नहीं मिलता है, ना उस तरीके के इनकम इन लोग के पास है कि जो कुछ बेहतर कर सके। तो अगर आप वीडियो जल्दी देखते होंगे तो आप प्लीज़ आप सपोर्ट करना, कमेंट करना, मैं कमेंट का जवाब ज़रूर आप सबको दूंगा। तो थैंक यू सो मच सो गाइस कि चलते हैं अगले जगह पे और सब। तो काका फिर मिलेंगे आपको, राम राम। तो चलते हैं भाई।